इसे यारो मेरे कुआ जी ने इधर कई भिजाता कहा, आगापुरा, मल्लापल्ली, मेदीपट्टनम, रीति बौली, टोली चौकी, लंगर हाउस, कैमरे में भी और माइक को भी इधर अच्छा साफ वगैरह कर लेके लगाया फिर से, तो देखेंगे जो कि कैसी वॉइस आ रही है ये ब्लॉग में आज। हेलो माय टू फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन राइडर आज़ाद। तो कैसे हैं आप लोगों, मैं करता हूँ कि आप लोग अच्छे से हैं। भाई बच्चे हाँ, जैसे कि आज है थर्सडे 13th of October 2022 और अभी अपन लॉगिन करेंगे 11:30 बज रहे हैं। मैं घर से निकला अभी ऑर्डरों के वास्ते, जो कि देखेंगे आज अपनी कितनी अर्निंग होती, कितनी गाड़ी चलती, कितने का पेट्रोल चलाते, पूरी चीज़ बताता हूँ आप लोग। पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए, और भाई लास्ट व्लॉग में देखे अपना जो कि कैमरा लिया हमें, उसी दिन जो है कि अपन लॉगिन भी करे, काम भी करा उसी दिन। तो ये अपना कुछ सेटअप है नए कैमरे का, जो कि सेम रहता है, क्योंकि सेम मॉडल है। मैं गोप्रो में जो कि अपग्रेड नहीं करा मैं अभी, गोप्रो में अगर अपग्रेड करता तो 50-60 हज़ार रुपये पूरा सेटअप को लगता था। क्योंकि तो खाली गोप्रो कैमरा नहीं ले सकता था ना, उसके अलावा उसका माइक भी होना रहता, फिर उसके अलावा उसकी मेमोरी कार्ड, फिर एक्स्ट्रा बैटरीज, चार्जिंग का बहुत पैसे खर्चे हो जाते बोल के, और है भी नहीं मैं करने उतने पैसे बस। और ये भी कैमरा लिया सो मैं 9,000 रुपये का, तो इसके वास्ते भी जो है कि मेरे को उधार लेना पड़ा किसी बच्चे से। अभी यूट्यूब पेमेंट ये महीने हो सकता कि आएंगी मेरी, हो सकता, कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ अब तक। खाली जो है कि एक पेमेंट आई मेरी, और एक पेमेंट 3 महीने की, मतलब यूट्यूब वाला जब $100 हो जाता ना, जब उन्हें जो है कि रिलीज़ करता पेमेंट, तो $100 हुआ ही नहीं तो कहाँ से आएंगी। तो एक 3 महीने में अब जो है कि 100 से हो गई है, हो सकता कि ये महीने में आ जाए 26-27 तारीख को, तो उसके पैसे जो है कि मेरे को लौटाना है जो 9,000 रुपये का कैमरा लिया था मैं। तो बहरहाल देखेंगे जो है कि आज कितनी अपनी अर्निंग होती। पूरा वीडियो अपना लास्ट तक देखिए भाई, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। पुराने भी है नहीं करके रखे तो भाई कर लो, कुछ भी नहीं जा रहा। तो चलिए फिर लॉग इन करके देखेंगे। तो भाई लॉग इन करे बाद अपने को ऑर्डर डाला या NMDC इंस्टामार्ट का, और अपन आ गए यहाँ पे। और आई होप कि अब जो है कि ये व्लॉग में नॉइस थोड़ी कम आ रही होंगी, वॉइस अच्छी आ रही होंगी बोल के। देखो बोले तो लास्ट 2 व्लॉग में नए कैमरा से शूट करा मैं, और मैं खुद मेरे को ख़राब दिख रहा भाई एडिटिंग करे वक्त, जो कि बहुत ही ज़्यादा नॉइस आ रही और ख़राब दिख रहा। तो थोड़ा सेटिंग करा मैं कैमरे में भी, और माइक को भी इधर अच्छा साफ वगैरह कर लेके लगाया फिर से, तो देखेंगे जो कि कैसी वॉइस आ रही है ये व्लॉग में आज। तो यहाँ आ गया अपन इंस्टामार्ट में, यहाँ पे आए तो पहले तो नेटवर्क नहीं आता, बहुत स्लो नेटवर्क आता है एयरटेल का। 3496 भैया निकाल दो, फूड रेडी है। तो ये ऑर्डर अपना आ गया अपना आज का, पिकअप मारेंगे इसको। और एक चीज़ जो है कि आ रही थी कैमरे पे, अपने को डेट एंड टाइम बता रहा था, तो वो सब जो है कि सेटिंग में सही कर दिया। अब जो है कि हो सकता है कि डेट एंड टाइम ना बताए, और भी थोड़े बहुत सेटिंग आ रहे थे कैमरे में, क्योंकि अपना पुराना कैमरा तो है नहीं कि उसको देख के मैं जो है कि वैसी सेटिंग कर लूँ, बल्कि भूल गया मैं सेटिंग करके 1 साल पहले, फिर वही चल रही थी। अब इसमें जो है कि अपने हिसाब से करा मैं, तो उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ सही आ रहा होगा। ये ऑर्डर लेके जाना है मल्लापल्ली, फिर से यारो मेरे को आज जी ने इधर कई भिजाता कहा, आगापुरा, मल्लापल्ली, मेदीपट्टनम, रीति बौली, टोली चौकी, लंगर हाउस। यार नको भाई, मेरे को मेरे जोन का दे दो ख़त्म। बंजारा हिल, समाजी उगड़ा, खैरताबाद, चलो ठीक है, अमीरपेट, पंजा गुट्टा भी ले लो, बेगमपेट का दे दो, चलो ठीक है चलता भाई। मगर ये सब जोनों में भाई बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहती, गोशा में लोहा ऑल छुट्टी हुआ। तो बहरहाल भाई आज का मौसम भी जो है कि बारिश का ही है, बादल तगड़े है लगे हुए है, धूप छाँव हो जा रहा। देखेंगे जो है कि लास्ट तक कितनी अपनी आज की अर्निंग होती, कितनी गाड़ी चलती, कितने का पेट्रोल डलाते, पूरे चीज़ें बताता हूँ आप लोग। पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए भाई, और भाई गाड़ी देखिए अपनी चली हुई है 6090 पे, 90 बोल के याद कर ले रूँ मैं, कभी बोले तो लास्ट तक भूल जा रूँ मैं कितने तक था मीटर बोल के। तो बहरहाल अगर आप लोगों का आज का वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब करते, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। पुराने भी हैं निकल करके तो भाई कर लो, कुछ भी नहीं जा रहा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। थैंक यू सर। तो भाई ऑर्डर करते करते शाम के बज गए हैं 4:30 देखिए जैसा कि, और पेट्रोल डलाना है गाड़ी में, पूरा टंकी सूख गई, ऐसी चलाते जा रहा हूँ मैं। डला लेंगे पेट्रोल पहले, तो उसके बाद फिर अपन खाना भी खा लेंगे। यारो खाना नहीं खाया अब तक, ऑर्डर करते करते धूप में
खाना भी बोल रहा हूँ भाई, कब तो भी खाता रहे भाई, खा ले अब तो खा ले। घर से खाना ला लिया था मैं, ये देखो आज की अपनी अर्निंग हुई अब तक 340। इसमें अपन ऑर्डर करे 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 ऑर्डर करा मैं अब तक 250 का डालो। चलो भाई पेट्रोल डला लिए, अब अपन ये ऑर्डर देना है आगापुरा पे, और आगापुर नामपल्ली से इसमें ले लेके आया था ऑर्डर यहाँ कवाड़ी गुड़े पे। अब फिर से जो है कि यहाँ से रिटर्न तो डाला NIC आइसक्रीम बोल के है, वहाँ से ले लेके जाना है आगापुरा। तो चलिए आइए ऑर्डर डिलीवर करे बाद जो है कि खाना खा ले तो मैं, थैंक यू। तो भाई आइए खाना खा लेंगे फाइनली। ये चावल है और साथ में मेरे ख्याल से दाल होंगी आज, क्या बात है, बेहतरीन दाल चावल है। आइए खाना खा लेंगे अपन, बहुत दिनों बाद जो है कि दाल खाएंगे, अपनी फेवरेट रहती दाल, और साथ में थोड़े पापड़ भी हैं। तो हमारे भाई मिले, खाना खा रहा था मैं, आओ खाना खाओ। क्या ऑर्डरों पे है क्या? हाँ जिप्टो, जिप्टो कर रहे हैं। कैसा है जिप्टो में? 25 रुपीज़ ऑर्डर है रमजान में, 200 ऑर्डर मारे तो 12,000-13,000 रुपये डायरेक्ट। अरे माशाल्लाह, पार्ट टाइम था मैंने खर्च कर, अब नहीं करते ना चेंज। हाँ हाँ, पार्ट टाइम कर लो ना, 4,500-5,000। अच्छा है, चलो तो फिर पार्ट टाइम के लिए और कोई दूसरा काम कर रहे हैं? कॉलेज जा, कॉलेज जा रहे हैं। चलो ठीक है, राइट, आओ खाना खाओ। नहीं भाई दिखा क्या? ठीक है राइट, मज़ा आया। तो भाई खाना खा के भी मज़ा आया और सब्सक्राइबर से मिलके भी मज़ा आया, लेकिन यार ये ऑर्डर देख के मज़ा नहीं आया। KFC का ऑर्डर डाला देखो, Road No. 3, ये मॉल है ना कॉर्नर पे, कौन सा मॉल है, RK। दिमाग ख़राब हो गया, वहाँ से मेरे को खींचा देखो ज़रा नगर से भाई, 6483 लाल, जो कि ले लेके जाना है फिल्म नगर MLA कॉलोनी, कौन सा है ये, जुबली हिल्स। चलो भाई पहला ऑर्डर डाला यहाँ का, जरा नगर पे अपन ले लेके आए थे ऑर्डर, फिर वहाँ से जो है कि खाना खा लेके यहाँ खींचा, आप यहाँ से फिल्म नगर दिया 6483। दिन भर उधर ही फिरा है मेरे को, आएगा पूरा नामपल्ली मेदीपट्टनम। और भाई टाइम देखो 6:03 हो गए, खाना खाते खाते भाई मैं सोचा कि 2:30 बज रहे थे, खाना खा लूँ बोल के, मगर फिर ऑर्डर दे दिया था तो निकल लिया मैं ऑर्डर पे, नहीं खाया अपन तो इसके वास्ते अब लेट हो गया, हो गया क्या कर सकते भाई। कोशिश करेंगे भाई 4 बजे से पहले खाना खा लेना बोल के, परेशानी हो जाती। तो बहरहाल देखिए अब तक जो कि गाड़ी चल चुकी अपनी 150 हो गई, इसका मतलब 60 किलोमीटर चल चुकी गाड़ी अपनी, घर से निकलते वक्त 90 पे था, और अपनी अर्निंग हुई 419 रुपये, जो कि पहला टारगेट 400 को 125 आते वो कंप्लीट हो गया, मगर इसके वास्ते भी जो है कि एक 9 घंटे लॉगिन रहना कंपलसरी है, तो एक समझो 6 घंटे में अपना 400 हुआ, और एक 6 घंटे 12 बजे तक 400 हुआ तो 800 का टारगेट होता, 300 रुपये इंसेंटिव आते, 1100-1200 रुपये की अर्निंग होती। तो देखेंगे बहरहाल लास्ट तक कब होता मेरा टारगेट 800 का, वही मार लेके काम घर को चले जाएंगे। अपना पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए भैया, भाई पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अपना मेरे चैनल पे नए हैं तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, पुराने भी हैं निकल करके तो भाई कर लो, कुछ भी नहीं जा रहा। थैंक यू सर, थैंक यू। तो भाई रात के बज गए हैं देखिए जैसा कि 10:05, और ये ऑर्डर डिलीवर कर दिया अपन, ड्यूटी भी स्टॉप कर दिया हमें, और अपनी अर्निंग हो गई 821 रुपये, जिसमें कि अपन ऑर्डर करिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16, 2, 18, 2, 20, 2, 22 ऑर्डर, 22 ऑर्डरों को 1200 रुपये इन भी था, मगर क्या है 22 ऑर्डरों के वास्ते 11 बजे तक ठहरना है, मगर क्या है अपने को लॉगिन करके 1 घंटा और ठहरना बोले तो उसमें से और ऑर्डर हो जाते थे, तो MG का कोई मतलब ही नहीं रहा, उससे ज़्यादा अर्निंग हो जाती। अगर जल्दी बंद कर दूँ मैं 10 बजे तक ही काम करता हूँ मैं, ज़्यादा नहीं काम करता हूँ मैं, बस 800 का टारगेट हो गया तो 300 इंसेंटिव आ जाते, वही 1100 रुपये की अर्निंग हो गई। गाड़ी चली 202, घर से निकलते वक्त 90 पे था मीटर ना, तो इसका मतलब 112 किलोमीटर गाड़ी चली अपनी आज। और पेट्रोल तो देखे थे अपना 250 का जलाया था मैं, मगर पूरा 250 का नहीं जला, एक 200 रुपये का पेट्रोल लगाऊंगा मेरे ख्याल से। भाई आज के लिए इतना ही, आप ला देखे जो कि पूरे दिन की आप लोगों को अर्निंग बतला दिया, मैं पूरी चीज़ें बतला दिया, कितनी गाड़ी चली, कितने का पेट्रोल लाया, अर्निंग कितनी होती, समझो 1000 रुपये जब तक बन रहे ना
तक ठीक है स्विगी ने, तो अपन भी सोचेंगे जोमेटो वगैरह ज्वाइन करने के वास्ते। बहुत से बच्चे मिल रहे हैं भाई, आज भी मिले मेरे को बहुत से बच्चे, बोल रहे थे भाई डंजो में कर लो, जोमेटो में कर लो, रोज़ मिलते बोलते भाई मैं रिफ़र कर देता हूँ बोल के। मगर मैं नहीं भाई, मैं शिफ्ट नहीं होना चाह रहा हूँ स्विगी से अभी, लेकिन अब देखेंगे जैसा भी रहा, जब तक चल रहा चल रहा। और देखिए अपना जो कि आज नया कमरा, माइक का थोड़ा सेटअप करा था मैं कैमरे के अंदर से भी और वैसा अंदर से भी और सामने से भी जो अपन लगा के रखे, तो आई होप कि आप लोगों को वॉइस अच्छी आई होंगी आज। और अगर आज भी नहीं आई, मैं अभी जाके चेक करता हूँ तो मैं उसको सही करने लगाता हूँ, कोई भी जुगाड़ करेंगे अपन उसका। तो बहरहाल आज के लिए इतना है, अगर आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा तो भाई लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। पुराने भी है निकल करके तो भाई कर लो, कुछ भी नहीं जा रहा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, खुदा हाफिज़, वस्सलाम। Thank you.